हेलो दोस्तों, मैं हूँ फिल्मीगर, हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि सलार की रिलीज़ डेट अभी नहीं आई है और यह जानने के लिए हर कोई बेताब है कि सलार आखिर रिलीज़ कब होगी। सुनने में तो ये आ रहा है कि सलार नवंबर के आखिर तक रिलीज़ हो सकती है, लेकिन अभी कोई एक डेट फिक्स नहीं हुआ है। और ये भी हो सकता है कि मेकर्स अभी इस पर विचार विमर्श कर रहे हों कि फिल्म को नवंबर में रिलीज़ करना है या फिर किसी और महीने में। नवंबर में तो दिवाली है और दिवाली पर खुद सलमान खान टाइगर बनकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर सलार के मेकर्स सलार फिल्म को टाइगर के एक दो हफ्ते पहले या फिर एक दो हफ्ते बाद रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर सेम डेट पर फिल्म को रिलीज़ करेंगे तो दोनों फिल्मों का ज़बरदस्त क्लैश हो जाएगा और इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है। सलार फिल्म अगर नवंबर में ना रिलीज़ होकर दिसंबर में रिलीज़ होती है, तब भी ये डायरेक्ट जाकर रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल से भिड़ जाएगी और फिर सेम प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ भी देखने को मिलेगा। दोनों ही फिल्मों का ज़बरदस्त क्लैश होगा। प्रभास के लिए सलार फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे में मेकर्स जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सलार रिलीज़ कब होगी। और अगर सलार नवंबर में रिलीज़ होती है तो यह टाइगर 3 फिल्म के साथ क्लैश होगी। ऐसे में अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ऑडियंस किस फिल्म को देखना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि पब्लिक दोनों ही एक्टर की फिल्मों को देखना चाहती हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि अगर सलार फिल्म नवंबर में टाइगर 3 फिल्म के साथ रिलीज़ होती है तो ये फिल्म फ्लॉप चली जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। क्या सच में टाइगर 3 फिल्म के साथ अगर सलार फिल्म क्लैश होती है तो क्या फ्लॉप जाएगी या फिर दोनों ही फिल्में अच्छा खासा कलेक्शन करेंगी? मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती है कि आखिर मेकर्स प्रभास का कैरियर चौपट करने पर क्यों लगे हैं। राधे श्याम के टाइम पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, अब वही सलार फिल्म के साथ भी ऐसा हो रहा है। सलार फिल्म को नवंबर में रिलीज़ कर रहे हैं। हम सबको पता है कि अगर सलार चलेगी तो सिर्फ प्रशांत नील की वजह से। प्रशांत नील ही कुछ ऐसा जादू कर सकते हैं जिसकी वजह से सलार मूवी चल सकती है। वहीं अगर टाइगर 3 के बारे में बात की जाए तो अगर टाइगर 3 चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से। सलमान खान का नाम टाइगर 3 से जुड़ा है, इसलिए इस फिल्म को लेकर इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। और तो और YRF की ये टाइगर 3 बेस्ट मूवी भी होने वाली है और है भी। इसके दो पार्ट आए थे, लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया था। वहीं अगर सलार के मेकर सलार फिल्म को नवंबर में रिलीज़ करते हैं तो उन्हें रिलीज़ करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि नवंबर में टाइगर 3 भी रिलीज़ हो रही है। और आप सब लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर सलार फिल्म में चलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ तेलुगू में चलेगी, नॉर्थ में तो टाइगर का ही राज रहेगा। वहीं अगर सलार नवंबर में ना रिलीज़ होकर दिसंबर में रिलीज़ होती है तो ये एनिमल फिल्म के साथ साथ शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ भी क्लैश हो सकती है। ऐसे में फिल्म को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। मतलब कि चारों तरफ से सलार मूवी फंस गई है। अब मेकर्स को किसी न किसी फिल्म के साथ क्लैश करना ही पड़ेगा सलार फिल्म को। वहीं अगर शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ सलार मूवी क्लैश होती है तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सलार मूवी के लिए, क्योंकि डंकी SRK की मूवी है और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में SRK का ही राज चल रहा है, तो सलार को डंकी से भी खतरा है। वैसे एक चीज़ हो सकती है, काफ़ी लंबे वक्त से ऐसा सुनने में आ रहा है कि SRK की फिल्म डंकी पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि फिल्म पोस्टपोन होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अगर फिल्म पोस्टपोन होती है तो सलार के लिए रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। मेकर सलार फिल्म को आराम से रिलीज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो अगर नवंबर से दिसंबर के बीच में अगर सलार फिल्म को मेकर्स रिलीज़ करते हैं तो समझो वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि नवंबर में टाइगर खड़ा है और दिसंबर में एनिमल और डंकी, मतलब कि तीनों फिल्मों के बीच में सलार जाकर फंस जाएगी। और अगर गलती से भी सलार मूवी फ्लॉप चली गई तो समझो प्रभास का कैरियर एकदम से बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सलार फिल्म के मेकर सलार फिल्म को किस डेट पर रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सलार फिल्म को नवंबर में रिलीज़ होना चाहिए, टाइगर 3 फिल्म के साथ इस फिल्म का क्लैश होना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।